हेलो एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स एंड दिस इज आर वीकली मार्केट आउटलुक वेर इन वी आर गोइंग टू ट्राई एंड लुक एट सम क्रूशियल लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक और साथ ही साथ विल आल्सो ट्राई टू क्रिएट आर मार्केट आउटलुक तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहां पर हमने थर्सडे के सेशन में जो एक अपमूव देखा एक बहुत ही स्ट्रांग अपमूव था उस और उसमें एक क्लियर सिग्नल मार्केट ने दिया कि यहां से मोमेंटम बुलिश है मार्केट तेजी के अंदर रहना चाहिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर देखने को मिली वो ये थी कि मार्केट ने जैसे ऑल टाइम हाई जब बनाया उसके अगले सेशन में फ्राइडे के सेशन में बहुत बड़ा मूव तो नहीं आया बट स्टिल मार्केट 25300 को एक अच्छा सपोर्ट मान रहा था उससे ऊपर आराम से टिका हुआ था इनफैक्ट जो थर्सडे के सेशन से पहले के ऑल टाइम हाइज थे उससे ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ इसका मतलब है कि मोमेंटम क्लियरली बुलिश है पच्चीस ज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू लुक फॉर इससे ऊपर मार्केट जब तक बना हुआ है तब तक बिल्कुल हमें मोमेंटम तेजी की तरफ देखने को मिलना चाहिए ऊपर में ऐसे में हमें नए लेवल्स 25,500 का पहले और उसके बाद 25,700, 25,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मोमेंटम निफ्टी के अंदर क्लियरली अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए बनकर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड ट्वेंटी इसके साथ साथ अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने थर्सडे के सेशन में हमें एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिखाया था यहाँ पर बहुत समय से बैंक निफ्टी तीन चार सेशन से लगातार कंसोलिडेट कर रहा था थोड़ा सा लेड बैक सा था थोड़ी शॉर्ट शौर, शॉर्ट पोजिशन भी थी बट जिस तरह का ब्रेकआउट हमने थर्सडे के सेशन में आता हुआ देखा एंड फर्दर जिस तरह से फ्राइडे के सेशन में हमने उस ब्रेकआउट के लेवल को अच्छा सपोर्ट बनते हुए बैंक निफ्टी में देखा यहाँ से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ निफ्टी के कंपेरिजन में भी ज़्यादा दिखाई देती है इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल मोमेंटम अच्छा बना रहना चाहिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करता हुआ हमें दिख सकता है हम ये आगे हम प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग के स्पेसिफिक इंडेक्सेस को भी अगर गहराई से समझेंगे कि क्या कहते हैं वो कि इंडेक्स के अंदर भी तेजी जो है वो कहाँ से आती हुई दिख जानी चाहिए बट ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम बहुत ही बुलिश है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है टू लुक फॉर इज़ फिफ्टी जहाँ पर बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में भी जिससे ऊपर ही सपोर्ट लिया और थर्सडे के सेशन तो हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट इस लेवल से ऊपर आते हुआ देखा ही था तो द मोमेंटम एज ऑफ नाउ लुक्स टू बी पॉजिटिव इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी कुछ बड़े इंडेक्सेस को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि वहाँ से किस तरह से मार्केट को सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है सबसे पहले आई इंडेक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने आईटी इंडेक्स ने बहुत लंबे समय तक मार्केट को परेशान किया था कंसोलिडेट किया था बट पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखा रहा है कंसिस्टेंटली अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है अभी मार्केट ने ऑल टाइम हाईस के आसपास फिर से आया है बहुत लंबे समय के बाद आया है एंड यहाँ से अब देखें तो कोई चिंता नहीं दिखे के सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं आईटी इंडेक्स के अंदर मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है यहाँ से आईटी स्टॉक्स हमें कहीं ना कहीं 15 टू 20 परसेंट ऑन एन एवरेज बड़े आईटी स्टॉक्स जो हैं वो यहां से भी एक अपमूव उनके अंदर हमें देखने को मिल सकता है तो आईटी इंडेक्स की तरफ से तो पूरा सपोर्ट हमें मार्केट में आता हुआ दिख रहा है सेकेंड जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दैट इज़ मेटल्स यहां पर देखिए मेटल्स ने भी थर्सडे के सेशन में एक ब्रेकआउट दिखाया थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस हम कुछ बड़े मेटल स्टॉक्स से कुछ टाइम से देख रहे थे बट जिस तरह से थर्सडे के सेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर आता हुआ दिखा एक टर्न अराउंड है बहुत स्ट्रांग यहाँ से मेटल्स जो कि थोड़ा वॉलेटाइल रहता है जनरली अब मार्केट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकता है मेटल्स की तरफ से भी मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है तो मेटल स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए यहां पर भी हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए ये जो 9250 के ऊपर मेटल इंडेक्स निकला है इसके बाद मेटल इंडेक्स आराम से कहीं ना कहीं पहले 9500 एंड उसके बाद 90 uh, 9700 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है तो मेटल इंडेक्स के अंदर भी हमें बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है निफ्टी फार्मा यहाँ पर तो हम बहुत समय से देख ही रहे हैं कि फार्मा इंडेक्स के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली जैसा कि चार्ट भी हमें दिखा रहा है कि मोमेंटम बिल्कुल बुलिश है थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में भी हमने लगभग ऑल टाइम हाइस के आसपास इंडेक्स को आते हुए देखा यहाँ पर भी कोई चिंता के सिग्नल नहीं है बहुत आराम से मेटल इंडेक्स इसी फार्मा इंडेक्स इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखा सकता है अब बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स की कि प्राइवेट बैंकिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा रह सकता है इस चार्ट को देखिए आप बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जिस तरह का बैंक निफ्टी का चार्ट था एक तरह से उसी को थोड़ी और मजबूती देता हुआ ये चार्ट है क्योंकि यहां पर भी थर्सडे के सेशन में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ देखा और उसके बाद फ्राइडे के सेशन में एक फर्दर अप मूव आया है एक कंटिन्यूएशन का मूव आया है यहां पर क्लियरली एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बन रहा है इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं जो कि एक बड़ी तेजी का सिग्नल हमें देता है मान लीजिए कि यहां से तकरीबन इस चार्ट को देखकर एक हज़ार पॉइंट की तेज़ी इस इंडेक्स के अंदर दिखाई देती है यानी कि जो बड़े प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स हैं, वहाँ से अब हमें एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है यहाँ से देखने में लगता है कि जो निफ्ट बैंक निफ्टी की जो परफॉर्मेंस होगी आउट परफॉर्मेंस उसके अंदर बड़े प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो लास्ट वीक भी हमने यही बात की थी कि जो कमजोरी मार्केट में हमने देखी उसमें पीएसयू बैंक इंडेक्स का बड़ा रोल था क्योंकि एक ब्रेकडाउन या फिर एक लेवल से यहाँ से नीचे पी बैंकिंग इंडेक्स आया था जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी कमजोरी हमने देखी थी नीचे से अब बाजार ने घूमने की कोशिश की है एग्जैक्टली exactly उसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस की जहां से बाजार थोड़ा सा नीचे आया था तो पीएसयू बैंकिंग थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्शियस हमें सिग्नल देता है कि एक बार के लिए सिक्सटी के आसपास का लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी अब आ, पी एस बैंकिंग इंडेक्स अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एक बार हम थोड़ा सा इससे ऊपर निकल जाए फिर तो कोई भी चिंता का सिग्नल रहेगा ही नहीं पी बैंकिंग जो एक, एक मात्र थोड़ा सा कमजोरी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था एक बार सिक्स सेवन फाइव जीरो से ऊपर निकल जाता है तो यहां से भी हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती हुई दिख जाएगी और फिर तो जो ये अपमूव uh, है उसकी तेजी की मूव स्पीड और ज़्यादा तेज होती हुई हमें दिख जाएगी तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो कोई चिंता की बात नहीं दिखाई देती है निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी इंडेक्स मेटल इंडेक्स प्राइवेट बैंकिंग फार्मा सभी बड़े इंडेक्सेस ओवरऑल बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहे हैं तो ये थे कुछ क्रूशियल लेवल्स और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा मार्केट आउटलुक फॉर दी अपकमिंग वीक इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दी स्टॉक बॉक्स चैनल थैंक यू वेरी मच